जैसा कि आप लोगों को ये विदित है कि वर्तमान में यूपी की आजमगढ़ लोकसभा की सीट पर बाई इलेक्शन हो रहा है। इस बाई इलेक्शन में उपचुनाव में बीएसपी ने भी श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को चुनाव के मैदान में उतारा है, जो हमारे ये उम्मीदवार यहाँ के स्थानीय निवासी हैं तथा ये बीएसपी से कई बार विधायक भी रहे हैं। इन्होंने कोरोना काल में बाढ़ आदि के समय में भी पीड़ित लोगों की काफी मदद की है। वैसे भी ये अक्सर जरूरतमंद लोगों की वहाँ काफी मदद करते रहते हैं, और मदद भी केवल इन्होंने यहाँ अकेले अपने खुद के समाज के लोगों की ही नहीं की है, बल्कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर वे मानवता एवं इंसानियत के नाते यहाँ सभी वर्गों व धर्मों के मानने वाले लोगों की अपने सामर्थ्य के हिसाब से हर स्तर पर पूरी पूरी मदद की है। जबकि दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार ऐसे समय में हमें कहीं भी यहाँ नजर नहीं आते हैं। इसके साथ ही बीएसपी का अकेला एक ऐसा हमारा ये उम्मीदवार है जो अधिकांश आपके बीच में ही रहता है, यानी कि आजमगढ़ जनता के बीच में ही रहता है, और ना ही व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा है और ना ही किसी के लिए दूसरी पार्टियों की तरह ना ही किसी के लिए अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल करता है। ऐसे व्यक्तित्व को हमने यहाँ की आम जनता की चाहत व उनके हितों को भी ध्यान में रखकर अपना प्रत्याशी बनाया है। वैसे यूपी विधानसभा आम चुनाव के बाद ये पहला मौका है जब बीएसपी यहाँ ये उपचुनाव लड़ रही है। आजमगढ़ लोकसभा की सीट पर यहाँ ये उपचुनाव लड़ रही है। हालांकि ये उपचुनाव है, किंतु लोगों के लिए यह इस मायने में खास व अति महत्वपूर्ण है कि वे एक तीर से दो निशान करके पहले भाजपा को हराकर उनकी अग्निपथ आदि जैसी जन विरोधी नीतियों वे बुलडोजर आदि वाली अहंकारी कार्यशैली का सबक सिखा सकते हैं। मैं इस बात को फिर रिपीट करती हूँ, हालांकि ये उपचुनाव है, किंतु लोगों के लिए यह इस मायने में खास व महत्वपूर्ण है कि वह एक तीर से दो शिकार करके पहले भाजपा को हराकर उसकी अग्निपथ आदि जैसी जन विरोधी नीतियों व बुलडोजर वाली अहंकारी कार्यशैली का सबक सिखा सकते हैं, और साथ ही सपा को भी बीजेपी से उसकी अंदरूनी मिली भगत आदि की भी सजा दे सकते हैं, जिससे ये पुनः स्थापित हो जाएगा कि खासकर यूपी में भाजपा को चुनाव में पराजित करने के लिए सपा नहीं बल्कि बीएसपी ही सर्वाधिक शक्तिशाली माध्यम है। हालांकि ये भी जग जाहिर है कि भाजपा व सपा एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं तथा ये दोनों हमेशा एक दूसरे के पूरक ही रहे हैं। साथ ही इन दोनों पार्टियों की नीति व कार्यशैली एक दूसरे को अंदर अंदर राजनीतिक तौर पर मदद व मजबूत बनाने की ही रही है, जिसके एक नहीं बल्कि अनेकों उदाहरण लोगों के सामने मौजूद हैं, जिसका खामियाजा औरों से कहीं अधिक यहाँ अकलियतों व समाज के अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को ही उठाना पड़ता है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले विधानसभा आम चुनाव में भी इन दोनों पार्टियों के भारी षड्यंत्र
एवं आपसी मिली भगत के तहत ही, यानी कि इससे पहले जो असेंबली का चुनाव हुआ ये बाई इलेक्शन से पहले, तो इन दोनों पार्टियों के भारी षड्यंत्र एवं आपसी मिली भगत के तहत ही बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बताने व चुनाव को घोर हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक रंग देने का ही नतीजा था कि बीजेपी यहां दोबारा से सत्ता में वापस आ गई। ये भी मैं इतना ही नहीं बल्कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी इन दोनों पार्टियों के भारी षड्यंत्र एवं आपसी मिली भगत के तहत ही बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बताने व चुनाव को घोर हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक रंग देने का ही नतीजा था कि बीजेपी यहां दोबारा से सत्ता में वापस आ गई और अब लोग अपने आप को यहां काफी ठगा हुआ सा महसूस करने लगे हैं। वास्तव में वैसी गलती खासकर विशेष एक समुदाय के लोगों को अब यहां आगे नहीं दोहरानी चाहिए। खासकर आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव में तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही ये भी बहुत उम्मीद है कि इस चुनाव के परिणाम बीएसपी के पक्ष में आने की संभावना की वजह से भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों व कार्यशैली आदि पर काफी हद तक अंकुश भी लग सके, जिसका फिर लाभ सब समाज के लोगों को जरूर मिलेगा। इसलिए अब आजमगढ़ के सभी वर्गों व धर्मों के लोगों से मेरी पुरजोर यही अपील है कि वे यहां से बीएसपी के उम्मीदवार को जिताकर प्रदेश व देश को जनहित व देश हित का बड़ा संदेश जरूर दें। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूं। धन्यवाद। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।